उमेश सिंह गौतम समता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर आज की व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है, सब समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय से ही व्यवस्था बढ़िया रखता है। समता सैनिक दल पहला भारत में ऐसा संगठन है जो ड्रेस कोड का संगठन है, और ये मिलिट्री और तमाम जितना भी भरोसा अपने संघ पे करते हैं, भारत तमाम जितना भी समाज है वो समता सैनिक दल पर भरोसा करता है। इसलिए पार्लियामेंट में भी सिक्योरिटी में जो जिम्मेदारी दी जाती है समता सैनिक दल को ही दी जाती है। जहाँ पुलिस प्रशासन को भी भरोसा नहीं किया जाता वहाँ समता सैनिक दल पर भरोसा इसीलिए किया जाता है। अनुशासित संस्कारित और कल्याणकारी संगठन है, समता मैत्री भाईचारे के लिए काम करता है, न्याय के लिए काम करता है। ये जो समता सैनिक दल के हजारों जवान पूरे भारत से आ रहे हैं, ये तमाम भारत के संविधान की रक्षा के लिए और जो संविधान के विरोधी लोग हैं उनको ये संदेश देने के लिए किस देश में अगर शासन चलना है तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुकूल चलना है, वरना तो उनको सत्ता से भी दखल करने की ताकत भारत की जनता रखती है, क्योंकि भारत की जनता भारतीय संविधान में विश्वास रखती है। इसलिए समता सैनिक दल अनुशासित संगठन है, व्यापक संगठन है। इसलिए आप देख रहे हैं ये मिलिट्री के तरीका से इसके मार्च होते हैं और प्रदर्शन होते हैं। सर कितने हैं अभी समता सैनिक दल के, अभी कितने अब आपके सामने हजारों की संख्या में मार्च निकाल रहे हैं ये जवान, किलोमीटर कितने किलोमीटर चल रहा है पूरे देश में जगह जगह, इसी तरीके से समता सैनिक दल के मार्च निकल रहे हैं, ठीक है नहीं? संविधान दिवस है ना, ये भारत का संविधान दिवस है। इस दिन देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने असेंबली को समर्पित किया था, देश को समर्पित किया था।